एग्रीकल्चर हमने शुरू कर दिया था ना, अपने खत्म भी कर लिया था। लैंड रिफॉर्म्स हमने कर लिए थे। एमएसपी पे चर्चा करनी है। जब एमएसपी पे तो बहुत चर्चा पब्लिक डोमेन में काफी है। हो जाएगा सर, हो जाएगा हो ना। जाएगा सर, हो जाएगा। एमएसपी में कोई और नई चीज नहीं है, जो हमारे जनरल डिस्कशन है। ये देखो, ये जो लेवल्स हैं इसको हम बस इतना देख लेते हैं। इसे करता कौन है एमएसपी, ये याद रख लेते हैं। सीएसीपी, ठीक है। सीएसीपी इसको बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये आता है, ठीक है। ये एस्टीमेट करती है कि कितना एमएसपी होना चाहिए। फिर बाद में वो कैबिनेट के आगे अब जाता है, कैबिनेट अप्रूव करता है और फिर उसके बाद उसे लागू किया जाता है। एमएसपी में शायद हमारी अभी कितनी 20-21 फसलें, कितनी फसलें कवर होती हैं एमएसपी में? सर 22, 22। 22, 22, ठीक है। तो 22 फसलें हमारी कवर हैं इस समय पर, जो इसके अंदर आती हैं। स्वामीनाथन कमेटी और इसमें की कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे ये A2, मतलब अलग अलग लेवल पे। जैसे एक दिन मैंने चर्चा की थी कि हमारी जो किसान है, किसान को क्या क्या कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी को एक तरीके से अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं। फसल और बढ़ गया एमएसपी में सर, एक फसल और बढ़ गया, 23 हो गया सर। 23 और बढ़ गई, 23 हो गई। ये कौन सी बढ़ी है लास्ट? तेईस से गई है, तो फिर बताएं कौन सा बढ़ा है लास्ट, सर तो चेक एक करके तो बताइए, धान, ये सर चेक तिल, करके बताइए आराम से। कोई बात नहीं, टेक टाइम, जल्दी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एमएसपी में जो अलग अलग लेवल पर, ठीक है, कि इसमें क्या क्या इनकम उसमें ऐड होनी चाहिए। जैसे A2 लेवल है, जिसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें जितना उसका कैश एक्सपेंडिचर है, जो किसान ने खर्चा किया है, जिसमें उसके बीज, खाद, केमिकल, लेबर, फ्यूल कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट, ये है। एफएल है, जिसके अंदर उसके परिवार के द्वारा, जो परिवार के द्वारा जितना उसमें योगदान दिया गया है वो उसमें शामिल है। और C2 लेवल में उसका एस्टिमेटेड लैंड रेंट और एक्सक्यूज मी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जितना पैसा उसने उधार लिया है वो उसमें ऐड किया जाता है C2 लेवल में। तो ये अलग-अलग वेरिएबल्स हैं जिसके आधार पर इनको तय होनी चाहिए। जैसा मानना है कि जो C2 लेवल है ये ज्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परंतु इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो लैंड कॉस्ट है, इस पर जो रेंट है, जितना रेंट उसको मिलता या उसे देना पड़ेगा वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी के समय की जो कैलकुलेशंस है। तो अभी ये जो कैलकुलेशंस है इन पर भी डिस्कशन है। जनरली सहमति ये है कि भाई जितना उसका खर्चा होता है और जो उसकी लेबर कॉस्ट है उसे मिला के प्लस 50% एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका कहना ये है कि उनको C2 लेवल, यानी कि जो रेंट कॉस्ट है, वो भी मिलनी चाहिए। ये अलग अलग डिटरमिनेंट हो गए, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, इनपुट प्राइस, इनपुट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब इसके कंसिडरेशन होने चाहिए। इस समय पे हमारे हिसाब से 22 क्रॉप्स और शुगर केन के लिए, ये ध्यान रखेंगे, शुगर केन के लिए जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, दिस इज एमएसपी एंड दिस एफआरपी आर डिफरेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गन्ने के लिए जो है वो है एफआरपी। अगर तो कहीं आपको ये शब्द आ जाए व्हाट इज एफआरपी, तो आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा। एफआरपी इज डिफरेंट देन एमएसपी। एफआरपी इज रिलेटेड टू शुगर कोन, शुगर केन, गन्ना जो होता है, गन्ने की फसल, उससे संबंधित है।
जो 22 जॉब्स है उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। पर वो तुअर है सर, आप चेक कर लीजिएगा भाई किस किस में, ये आपका काम है, मेरे अनुसार से 22 है, अगर कोई नंबर बड़ा है तो आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। अनाज की 7 है, दलहन की 5 है और तिलहन की 7 है और 4 कमर्शियल फसल को शामिल किया गया। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है कौन कौन सी फसलें, 22 कौन सी फसलें हैं जो इस एमएसपी के अंदर कवर होती हैं। जो एमएसपी है वो एक लिमिटेशन, मतलब उसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि एक तो सारी क्रॉप्स पर ये कवर नहीं करती, सारे के सारे क्रॉप्स को कवर नहीं करती, ठीक है। तो जो हाई एमएसपी होगा उसका एक फ्लिप साइड ये हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो फूड इन्फ्लेशन को ये बढ़ा सकता है एमएसपी, ये इसका एक दूसरा क्रिटिसिज्म हो सकता है। तीसरा क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि एमएसपी के सिस्टम से जो हमारा हाशिए पे खड़ा किसान होता है या लैंडलेस लेबरर होता है, जो भूमिहीन किसान है, उसको इससे कोई फायदा नहीं है। जो लोग मजदूरी करके खेतों में खेत के मजदूर हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी जो मिलेगी उसका पूरा फायदा किसान तक ही रहेगा। तो ये इसके कुछ फ्लिप साइड्स हैं। जिसको अप्रूव जो है करती है वो सीसीईए, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो फाइनली इसको अप्रूव करती है। और इसमें अभी तक जो सहमति है वो ये है कि हमें 1.5 गुना कॉस्ट ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देनी चाहिए, अभी की जो सहमति है। हमने कुछ और कंसेप्ट भी पढ़े उसके अलावा, परंतु जो सहमति वो ये है, कहती है कि हमें 1.5 गुना कीमत, जितनी तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना ये सीएसई द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी सब किस किस में है ये वेरी करने वाले नंबर्स हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा, हर साल बदलते हैं तो इनको याद करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। इससे संबंधित जो जो कमिटीज हैं, एक ये शांता कुमार कमेटी है, एक ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर है, इसे एमएस स्वामीनाथन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। एक और इशू है हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित, वो है बफर स्टॉक्स का, कि हमारे जो बफर स्टॉक्स कितने होने चाहिए। व्हाट इज बफर स्टॉक सर? जो बफर हम लोग जमा करते हैं एफसीआई में, वो क्या होता है? जो मतलब फूड जमा होता है जो क्राइसिस के वक्त यूज हो सके। ओके, हेलो सर। बोलो सर। बफर स्टॉक एक मतलब एक प्रणाली जिसको हम योजना भी बोल सकते हैं, जो निर्धारित सीमा या मूल स्तर से नीचे गिरने वाली कीमतों को रोकने के लिए जो फसलें होते हैं उन पे खरीद के जो स्टॉक होता है उस पर लगता है सर। ठीक, बफर स्टॉक, सभी लोग माइक्रोफोन बंद कर लेंगे। बफर स्टॉक, हम कुछ सामान जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम स्टोर करते हैं, एफसीआई जो हमारा एक फूड संस्थान है और अन्य संस्थान है, उनके द्वारा हम एक फूड का बफर स्टॉक रखते हैं। बफर स्टॉक मतलब कि हिंदी क्या होगी मुझे पता नहीं, पर हम अपने खाद्यान्नों का भंडारण करते हैं, ताकि क्या क्या फायदा होगा खाद्यान्न का भंडार करने से। नंबर एक, हमारी अगर कोई प्राइजेज में या प्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, ठीक है, किसी साल फसल कोई अच्छी नहीं होती, खराब हो जाती है, पैदावार प्रभावित हो जाती है किसी कारण से, बैड मानसून के कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, ये सब खतरे हैं, या वॉर के कारण, किसी भी कारण से यदि हमारे पास खाद्यान्न का उत्पादन उचित मात्रा में जितना होना चाहिए उतना ना हो,
तो ऐसे समय में फूड की सीवियर शॉर्टेज हो जाएगी और समाज में एक सोशल क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। इसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? किसान अपनी जो पैदावार है वो करते रहे, पर सरकार क्या करती है, कुछ अनाज, लेट से हम साल में 250 मिलियन टन फूड ग्रेन उत्पादन कर रहे हैं, हम 280 मिलियन टन उत्पादन लगभग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ अनाज, लेट से 100 टन, 200 टन, हम इतना अनाज अपने गोदामों में बचा के रखें, उससे क्या फायदा होगा? तो यदि किसी वर्ष मान लीजिए 280 टन की हो जाए, 240 टन अनाज ही उत्पादित हो पाया, 40 टन अनाज हमारी आवश्यकता से कम, हमारा कंजम्पशन 280 टन का है, हम उत्पादन केवल 240 टन कर पाए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? FCI सर प्रोक्योर करेगी, मतलब हमारे मार्केट मार्केट फूड प्राइस बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, फूड प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना, बेहताशा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है और फूड एक ऐसी वो है, फूड ग्रेन, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है, है ना, ये गाड़ी नहीं है कि चलो टाटा की नहीं खरीदी तो मारुति की खरीद ली, मारुति की नहीं खरीदी तो हुंडई की खरीद ली, इसको ये असेंशियल आइटम है, जिसको चाहिए तो चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, तो कीमतें इससे प्रभावित हो जाएंगी। इन कीमतों को प्रभावित ना होने देने के लिए सरकार कुछ एक बफर स्टॉक रखती है कि यदि किसी भी कारण से फूड सप्लाई प्रभावित हो तो वो अपने बफर स्टॉक से बाजार में सामान को, जो फूड ग्रेन है उसको इश्यू कर सकती है, जिससे जो कीमतें हैं वो स्थिर रहेंगे और लोग कालाबाजारी नहीं करेंगे। एक और फायदा भी है इसका कि इससे कीमतें स्थिर रहेंगी, कालाबाजारी को ये डिस्करेज करता है। दूसरी चीज क्या करेगा, कालाबाजारी कोई नहीं करेगा, कोई व्यक्ति ये सोचे कि चलो मैं इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर लेता हूँ फूड ग्रेन की, तो आपके पास गोदाम में कितना अनाज पड़ा हुआ है, बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है, तो अगर किसी ने मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारी है, उसने 50 मिलियन टन मिलके स्टोर कर लिया, पैदावार तो ठीक हुई पर कुछ लोगों ने मिलके अनाज को स्टोर कर लिया, पर सरकार के पास इतना समुचित अनाज उपलब्ध है कि वो बाजार में इसको दे देगा, देने से क्या होगा, इन्होंने जो स्टॉक किया हुआ था इनका ये पैसा यहाँ फंस जाएगा और कीमतें जैसी इन्होंने अपेक्षा की थी वो नहीं बढ़ेंगी और इसके कारण से इनको नुकसान हो जाएगा और कालाबाजारी अपने आप डिस्करेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये भी बात ठीक है कि कालाबाजारी खत्म करने में बफर स्टॉक काम करते हैं, तो पहली बात कीमतें स्थिर करने में, दूसरी बात कालाबाजारी डिस्करेज करने में, तीसरी बात किसानों को सपोर्ट करने में। जो हमारा MSP है, अब MSP में हमने कहा कि गेहूं की कीमत लेट से 20 रुपया प्रति किलो होना चाहिए, हमने एक बेंचमार्क प्राइस कर दिया कि 20 रुपया प्रति किलो कीमत होनी चाहिए। अब इस 20 रुपया प्रति किलो कीमत को कैसे लागू किया जाए, कैसे किसानों को दिलवाई जाए, उसका क्या तरीका होगा सर? इस पे कोई एक्ट नहीं, एक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, कानून बना दिया हमने सर, MSP लगाएंगे सर, उस पे उल्लंघन करने पर अगर MSP पर कोई उनसे फसलें नहीं खरीदेगा तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं सर। मान लो ऐसे कितने 50 लाख लोग हैं, क्या कार्रवाई करोगे? छोटे छोटे ऐसे कितने दुकानदार होंगे जो अनाज को खरीदते होंगे, 10-20-50 लाख होंगे आराम से। अब मान लो सरकार ने कहा कि 20 रुपए किलो MSP होना चाहिए, वो कहते कि नहीं जी हम तो 15 रुपए किलो देंगे, आप कहेंगे कि भाई सब पर कार्रवाई करो, सबको जेल में डाल दो, 50 लाख तो आपके पास जेल में रखने की जगह नहीं है, और फिर इन 50 लाख लोगों को आप जेल में डालेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर देंगे, तो MSP कैसे लागू होगी? कानून से कम ये MSP लागू नहीं हो सकती, क्लियरली ये बात रखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम कानून बना के लागू नहीं कर सकते। कानून बनाने से क्या होगा, हो जाएगी लागू?
कुछ हद तक तो सुधार आएगा उसमें, क्योंकि सर लोगों के दुकानदार जो उस पर खरीद करेगा उनको थोड़ा सा डर हो जाएगा, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन करने पर उनको सजा मिल सकती है। नहीं तो वो कह देगा कि जी मैं तो बेचता खरीदता ही नहीं, गेहूं में खरीदता ही नहीं। खरीदना बेचने की दुकानदारी है। मान लीजिए आपके घर के बाहर दुकान है और वो आपको सामान नहीं बेचना चाहता, क्या कार्रवाई करोगे? सर ग्राउंड लेवल पर कुछ कमेटी बनाना। कितनी कमेटी बनाएंगे? हर एक छोटे छोटे गांव देहात, भारत में 7 लाख तो गांव है, कितने कमेटी बनाएंगे? तो कानून बनाना बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। कानून बनाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। एमएसपी लागू करने के लिए कानून बनाना किसी तरीके से कोई निश्चित वो नहीं है। तो एमएसपी को हम लागू करते कैसे हैं? फिर बात यही आएगी कि अगर कानून से नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है। तो उसका एक तरीका ये है कि सरकार उस कीमत पे, एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने रेटेड प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को। कौन देता है? सर गवर्नमेंट देती है। सर गवर्नमेंट देती है। ओके, तो गवर्नमेंट फिर सारा अनाज ले लेती है? नो सर। सर सारा फसल गवर्नमेंट नहीं ले पाती। शोर आ रहा है, थोड़ा सा बंद करें। ओके, तो क्या हम किसी तरह से ये कर सकते हैं कि सारा अनाज अगर सरकार कहे कि जितना 280 मिलियन टन अनाज है वो सरकार खुद खरीद ले, संभव है? नो सर। अनाज का बहुत थोड़ा हिस्सा ही सरकार खरीद सकती है, बाकी खरीद भी लेगी तो बहुत ना, तो उसके पास इतना अनाज खरीद के भंडार करने की जरूरत जगह है, ना उसे स्टोर करने की क्षमता है। तो अल्टीमेटली उसे उन दुकानदारों पर ही निर्भर होना पड़ता है, वो चाहे भी तो नहीं कर सकते। तो फिर कुल मिला के एमएसपी का फर्क पड़ता क्या है? एमएसपी इज बेसिकली एन ऑल्टरनेट, बेसिक ये है एक ऑल्टरनेट। एमएसपी है कि हमारे आप कीमत नहीं कोई दे रहा है, अगर ऐसी स्थिति बन जाए जिसे हम कहते हैं ना, कोई ना खरीदे तो मुझे दे देना, अगर इससे ज्यादा आपकी बिक जाए तो आप बेच दो। मान लीजिए आपकी 20 रुपए किलो की चीज है, कोई 22 में खरीदना चाहता है, आपकी चॉइस है, आप स्वेच्छा से देखे आओ, 22 दो, 23 दो, 50 रुपया किलो दे दो, जितने भी बिक जाए आपकी आपकी वो है। परंतु यदि कोई ना खरीद रहा हो, यदि कोई ना खरीदे बाजार में, तो आप मेरे को इतने रुपए में दे देना, इतने रुपए मेरे खुले रेट है, इतने खुले रेट में मैं किसी से भी लेने को तैयार हूँ। ये सरकार एक तरीके का ये रेट दे देती है कि अगर बाजार में कोई आपको दाम नहीं देगा तो हम इतने दाम तो हम दे देंगे आपको। इससे क्या होता है कि चाहे सरकार 280 टन में से 40 टन या 50 टन ही शायद खरीदती हो, परंतु ये रेट फिक्स कर देने से एक एक बेंचमार्क बन जाता है। ठीक है, कि सभी लोगों को ये पता है, किसानों को ये पता है, और जो उसके दुकानदार हैं उनको भी पता है कि भाई अगर हम 20 रुपए किलो से कम लेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो फिर दुकानदार को वो चीज 20 रुपए किलो तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, उससे कम उसे वो नहीं वो कर पाएगा, 20 नहीं तो 19 ले सकता है। पर ये सोचे कि 15 रुपए किलो, तो अब उसका कोई 15 रुपए किलो अनाज नहीं उसे कोई बेचेगा। कोई तब चाहे कि मैं 15 रुपए किलो गेहूं खरीदना चाहता हूं, तो उसे 15 रुपए किलो अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अखबार में छाप रखा। अखबार बेचारा किसान भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो उसको भी पता रहता है कि कितना एमएसपी है। जो दुकानदार लोग होते हैं, आड़ती लोग होते हैं, वो किसानों की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का लाभ उठाते हैं।
तो उससे भी उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जब दुकानदार किसान को ये पता रहता है कि सरकार ने इतना रेट रखा हुआ है, क्यों इसका इतना प्रचार होता है कि 200 रुपये किलो गन्ने का या जो भी दाम होता है वो दाम सरकार प्रचारित कर देती है, जिससे किसान को ये पता रहता है कि कोई ना ले तो हम ले लेंगे, जिससे किसान एक कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरे को इतने दाम तो जरूर मिल ही जाएंगे। तो ये हमारे एमएसपी के कुछ लाभ हैं, जो बफर स्टॉक के कुछ लाभ हैं। बफर जब हम बनाते हैं उससे हम एमएसपी को स्थापित कर पाते हैं, उससे कालाबाजारी रोक पाते हैं, उससे किसी भी विपरीत स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी और जो अनसीन फोरसीन अनफोरसीन एमरजेंसीज हैं उनको डील करने की क्षमता पैदा हो जाती है। 1969 में ये फूड स्टॉक बफर क्रिएट करने का काम शुरू किया गया था, और इस काम के लिए एफसीआई की स्थापना फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा की गई थी। इसके अलावा नाफेड जो संस्था है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और एफसीआई, ये सब इस बफर स्टॉक को मैनेज करना और खरीदने के काम में, प्रोक्योरमेंट के काम में काम करते हैं। जैसा अभी हमने बात किया था कि लोगों को इसके कारण, बफर स्टॉक के कारण फूड की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमेशा हम इंश्योर कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपातकाल परिस्थिति का हम मुकाबला कर सकते हैं, जैसे कभी प्राइस वॉलेटिलिटी हो, क्रॉप फेलियर हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बेहतर हैंडल कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाँ ये एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि हमारा जो ये बफर स्टॉक होता है ये हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भी काम आता है। जो राशन में अनाज बेचा जाता है वो राशन का अनाज इन्हीं बफर स्टॉक से जारी किया जाता है, तो सरकार उसको जब खरीद लेती है तो उसको धीरे धीरे करके राशन की दुकान में जारी कर देती है। एक और लाभ है कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन इसके कारण होता रहता है, कीमतें स्थिर रहती हैं और किसानों को के हितों का इनके कारण ध्यान रखा जा सकता है। हमें हेलो फूड सर, सर हाँ जी बफर स्टॉक कोई प्राइवेट मतलब एजेंसी करे या प्राइवेट लोग करे तो उस पे सर कार्रवाई हो सकता है सर क्या? बिल्कुल हो सकता है। केवल कानून है इसका, कुछ होर्डिंग एक्ट है जिसके अंतर्गत अगर कोई प्राइवेट पर्सन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा, अगर अनाज को जो कैटेगरी जो भी उसमें निर्धारित है उससे ज्यादा अगर अनाज को स्टोर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ओके। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि बफर स्टॉक में जो पेरिशेबल फूड है, जो स्टोरेज है वो काफी अनियमित है। भारत के अंदर जो हमारे जो खाद्यान्न है उनका भंडारण की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं है भारत के अंदर, और कई बार कोर्टों ने भी इसके ऊपर लताड़ लगाई है एफसीआई को कि आपके पास अच्छे गोदाम नहीं है। तो एक तो इसकी समस्या ये है कि फूड जो है बहुत जल्दी जल्दी खराब हो सकता है अगर आप उसको जल्दी से रोटेट ना करें। अगर बफर स्टॉक मान लीजिए आपने रखा, तो बहुत बार आपने अगर कभी एक बार पढ़ा होगा तो एफसीआई के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का, कभी कभी करोड़ों रुपए का जो अनाज होता है वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या वो सड़ जाता है, क्योंकि उनको दोबारा से जल्दी जल्दी रोटेट नहीं किया जाता। उनको जल्दी जल्दी रोटेट करने की आवश्यकता होती है, वो ना करने के कारण ऐसा होता है। अगर बहुत ज्यादा भंडारण किया जाए तो उसकी लागत भी होती है। भंडारण की लागत क्या होगी? बफर स्टॉक में कॉस्ट क्या होगी? कीमत क्या देनी पड़ेगी हमें बफर स्टॉक के लिए? उसको देख रेख करने के लिए कीमत एक तो देनी होगी।
एक तो जो उसकी मेंटेनेंस है भाई, उसका ट्रांसपोर्टेशन मेंटेनेंस, आपने खरीदा, खरीद के किसी एक जगह पर इकट्ठा किया, वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, गोदाम बनाना पड़ेगा उसकी देखभाल करना, वहाँ पर कितना माल आया कितना गया उसके लिए ऑफिसर को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टेशन इसका खर्चा है। और क्या खर्चा हो सकता है इसके अलावा? सर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा सर। ओके हाँ, तो चलो उसे तो मेंटेनेंस कॉस्ट में आ गया। इसके अलावा कोई और कॉस्ट? इसके एक और कॉस्ट होती है, वो है कि जो निवेश की कॉस्ट है भाई, अनाज खरीदते समय आपने पैसा दिया, जब हम बिजनेस करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, लेट से 5 साल बाद आपको 150 रुपया वापस मिल गया। तो अब ये इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी इन्वेस्टमेंट रही, अच्छी बुरी, हमारे आज के समय के जो बाजार के इंटरेस्ट रेट वगैरह को ध्यान में रखते हुए, ये ब्याज अगर रिटर्न आपको 5 साल बाद मिल जाते हैं 150 रुपये, तो अच्छे हैं बुरे हैं ठीक है या नहीं ठीक? 50 रुपये बढ़ के मिल रहे हैं। 50 रुपये तो ठीक ही है, 100 रुपये का 50 रुपये मिल रहा है तो ठीक ही है 5 साल में। नहीं सर ठीक नहीं है ये। 10 साल कर दूं तो, चलो 5 साल से कम में 10 साल में मिले तो 10 साल में बहुत कम मिल रहा है। क्यों, कैसे आपको पता? यस सर बहुत कम मिलेगा, लॉस हो जाएगा। पर क्यों लॉस है? ठीक है चलो मान लेता हूँ कि लॉस है, पर क्यों है लॉस, किस चीज का लॉस है? 50 रुपये तो बढ़ा के दे ही रहा है वो आपको सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। मैं इन्फ्लेशन की तुलना में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ना, कि हमारे को हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए बैंक की ब्याज की दर इस समय पर 10% चल रही थी लेट से, और हम अगर बैंक में सिंपल बैंक इंटरेस्ट पर भी डाल देते, वैसे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर डाल सकते थे, पर अगर कंपाउंड ना डाल के सिंपल भी डालते तो 10 साल में 200 रुपये तो मुझे बैंक दे देती थी। अब मैंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसमें मुझे 100 के 150 ही मिले 10 साल बाद, बैंक में भी जमा करता तो 200 रुपये मिल जाते। या इसके उलट भी देख सकते हैं कि हो सकता है अगर मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं, आपने एक फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री लगाने के लिए आपने लोगों से उधार लिया हुआ है, आपने 100 रुपया उधार लिया हुआ है, अब मान लीजिए आपको 150 रुपया मिलता है जो कि आपके ब्याज से ज्यादा है, आपको इस 100 रुपये में मान लीजिए 80 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, पर और मिल आपको 150 रहे हैं, मूल आपका 100 का 100 रहा, 50 रुपये आपको प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और ब्याज आपको 80 रुपये देनी पड़ रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, 30 रुपये का मुझे नुकसान हो गया मेरी इन्वेस्टमेंट का। सेम चीज यहाँ पर भी लागू होती है बफर स्टॉक। जैसे बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक अगर सरकार रखना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 मिलियन टन अनाज पैसे का आएगा, 20 रुपया किलो के हिसाब से हमने किसानों को दे दिया तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जितने भी 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा, वो उतना पैसा सरकार का 1 लाख करोड़ लेट से मैं ऐसे ही रफली कर रहा हूँ, अभी इसमें नहीं जा रहा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में, मान लीजिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया इस 50 मिलियन टन अनाज के बफर स्टॉक को बनाने के लिए खर्चा किया था। अब इस 1 लाख करोड़ पर सरकार को कहीं ना कहीं ब्याज देना पड़ रहा है या ब्याज का नुकसान हो रहा है, तो वो भी इसकी कॉस्ट है। तो जब भी हम व्यापार करते हैं कोई भी काम करते हैं तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको भी फैक्टर करना होता है। तो जितना इंटरेस्ट हमने पे किया ऑन वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस वो भी उसकी कीमत बन जाता है। और आखिर में है कि ये बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए कहीं भी हम कितना भी एफिशिएंट सिस्टम बनाएं, देयर वुड बी सम वेस्टेज,
हमने 50 मिलियन टन अनाज लिया था, 10 मिलियन टन सड़ गया, बेकार हो गया। तो ये हमारी ये जो 10 मिलियन की टन की कॉस्ट है 20,000 करोड़, ये बाकी 40 मिलियन टन से हमें रिकवर करनी पड़ेगी, ये भी एक चैलेंज हो गया। तो ये सब इसके एमएसपी या बफर स्टॉक के चैलेंजेस हैं कि जितना ज़्यादा हम बफर स्टॉक ज़्यादा रखेंगे, जितना ज़्यादा बफर स्टॉक बनाएंगे, उतनी हमें ये कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज। हेलो सर, WTO के अनुसार जो ये है स्टोरेज है, ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, हमारे व्यापार को प्रभावित, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसको प्रभावित कर सकती है। अगर हम बफर स्टॉक को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इनको बफर स्टॉक को जो है एज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज के तौर पर भी देखते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। कैसे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होगा सर? हाँ, एक सवाल ट्रेड डिस्टॉर्शन ये कैसे है, नंबर एक, और दूसरा सवाल आपका सवाल क्या है सर? जो बफर स्टॉक है सर, जैसे देश में अभी महंगाई चल रहा है, क्या गवर्नमेंट बफर स्टॉक से उस महंगाई को दूर कर सकती है? हाँ, कर ही रही होगी, ये काम तो लगातार चल रहा है। आपकी महंगाई बाजार में कैसे बढ़ेगी भाई? अगर मान लीजिए इस समय 40 रुपए किलो गेहूं हो जाएगा, राशन की दुकान पर 20 रुपए किलो मिलेगा, तो क्या होगा? हर आदमी 20 रुपए किलो वाला चावल वो अनाज खरीद लेगा। ये जो बाजार में 40 रुपए का दाम है, ये टिकेगा नहीं, तो इस दाम को उनको घटाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बाजार में प्रभावित किया जाता है। अब ये ट्रेड डिस्टॉर्शन कैसे कर रहा है? जो आरोप लगाया गया यूएसए के द्वारा, ये जो बफर स्टॉक्स हैं, ये हमारी कीमतों को, क्योंकि बफर स्टॉक क्या करते हैं, हमारी सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को घटा रहे हैं, आर्टिफिशियली सप्लाई को घटा रहे हैं। नॉर्मली सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, परंतु हम आर्टिफिशियली सप्लाई को घटा दे रहे हैं। सप्लाई घटा देने से क्या हो जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो ये ट्रेड डिस्टॉर्शन है, ऐसा कहना यूएसए का, जो कि एक्चुअली में ठीक भी है। अगर प्योरली मार्केट उसके फॉर्मेट के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, निश्चित रूप से ये प्राइजेस को प्रभावित करता है, परंतु ये हमारे लिए एक आवश्यक तत्व है हमारी इकोनॉमी, हमारे खाद्यान्न की आपूर्ति को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बफर स्टॉक में लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन की हाई कॉस्ट है, ये भी एक फैक्टर है। इसमें स्पॉइलेज, जो स्पॉइल हो जाता है अनाज, वो प्रॉब्लम है। भारत में जो अभी प्रेजेंट समस्याएं हैं बफर स्टॉक से संबंधित, वो है स्पॉइलेज। दूसरा है, हम जो स्टॉक जो बना रखते हैं, बहुत कोई ना साइंटिफिक मेथड से ना करके बिल्कुल नॉन साइंटिफिक मेथड से स्टोरेज करते हैं, जिससे अनाज ज़्यादा ख़राब होता है। नंबर दो, हमारे पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अनाज इन गोदामों के लिए नहीं है। नंबर तीन, वेस्टेज। वेस्टेज इसका तीसरा कारण है, जैसे चूहे हैं, ओपन में कहीं स्टोरेज है, तो ये सब कारण होते हैं जिससे वेस्टेज बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में लग जाती है। डाइवर्जन में, इसमें से बहुत सारा अनाज ब्लैक मार्केट में, लिकर प्रोडक्शन में और घोस्ट बेनिफिशरीज को चला जाता है। व्हाट आर घोस्ट बेनिफिशरीज सर? जो गलत उसके लिए उपयोग करते हैं, गलत प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि बियर बनाने के लिए वीट का इस्तेमाल होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो लिकर प्रोडक्शन बोल रहा हूँ मैं, घोस्ट बेनिफिशरी। ऐसे बेनिफिशरी जो दिखते नहीं है, मतलब जो होते नहीं है, होते ही नहीं है, ये
एक्चुअली में होते नहीं है, इन्हें क्रिएट किया जाता है। घोस्ट जैसे होता है ना भूत, तो हम अब मान लीजिए आप किसी एफसीआई उसके इंचार्ज हैं, एफसीआई का कोई इंस्पेक्टर है, ठीक है, एफसीआई वाले क्या करेंगे, वो अपने राशन वाले क्या करते हैं, राशन जो होता है वो 50 लोग ऐसे राशन कार्ड बनवा लेते हैं जो लोग एक्चुअली में रहते ही नहीं है, है ही नहीं वो परिवार, या तो वो कभी थे ही नहीं, थे तो कहीं बाहर चले गए, पर उनके नाम से लगातार राशन इशू होता रहता है, और वो राशन क्या होता है ब्लैक मार्केट में चला जाता है, तो वो उससे सरकार को चूना लग जाता है। तो ऐसे बेनिफिशियरी सरकारी नौकरियों में भी ऐसे कभी कभी लोग होते हैं जो एक्चुअली में कहीं काम नहीं कर रहे होते पर कोई उनके नाम से तनख्वाह ले रहा है, वो सब कहलाते हैं घोस्ट बेनिफिशियरी। लिकर प्रोडक्शन में इसको डाइवर्ट कर देते हैं काफी बार, करप्शन बहुत है एफसीआई में, इसी के कारण से करप्शन का एक बड़ा इशू है, पूरा का पूरा अनाज को सड़ा देते हैं, फिर जब वो सड़ जाता है तो कम कीमतों में उसको जो लिकर प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं उनको जारी कर देते हैं। मैंने ऐसी कहानियां भी सुनी है कि जो एफसीआई वाले हैं, पता नहीं कितनी सच्ची या झूठी होंगी, कि एफसीआई वाले जो गेहूं में पानी लगा देते हैं, तो पानी छिड़क देते हैं, पानी छिड़कने से क्या होगा, जौ बन जाएगा, उसका वेट सड़ जाएगा, वो लेकर इंडस्ट्री को फायदा, उसका मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा तो सड़ जाएगा। तो मतलब एफसीआई के कर्मचारी खुद अपना अनाज सड़ा देते हैं ताकि वो आगे किसी अपने जो भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, अब इसके लिए शांता कुमार कमेटी ने कुछ कुछ प्रस्ताव रखे हैं, वो क्या क्या है, जैसे एक तो यह है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उनको प्रोक्योरमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो अपना प्रोक्योरमेंट खुद करे। दूसरा काम कि सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट NFSA, व्हाट इज NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करे, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटराइजेशन करे, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करे, और जो अपटेक ऑफ कमोडिटी है उसको बढ़ाए, जो घोस्ट बेनिफिशियरी है उनको घटाए, जिससे कि जो पीडीएस सिस्टम में पिलफरेज है, जो चोरी है, उसको कम किया जा सके, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको घटाया जाना चाहिए, अभी 67% बेनिफिशियरीज हैं उनको घटाकर और कम किया जाना चाहिए। एफसीआई को ये जो जो एक्टिविटीज है, जो अनाज को स्टोर करने की एक्टिविटी है, वो लोकल एजेंसीज को, डिफरेंट एजेंसीज को जो इसमें एक्सपर्ट हो उनको दे देनी चाहिए। तो ये कुछ काम हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम इस बफर स्टॉक के सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। अब जो बफर स्टॉक है इसके उपयोग, ठीक है, हंगर पावर्टी के लड़ने के लिए हमारे लिए काम के हैं, TPDS स्कीम और फेयर प्राइस शॉप इसको चालू कर चलाने के लिए उपयोगी हैं, मिड डे मील स्कीम के लिए आवश्यक है, नेचुरल कोलैमिटी से लड़ने के लिए आवश्यक हैं, SC ST और चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए इनकी आवश्यकता है। हमारे को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो इंटीग्रेटेड ये जो बफर स्टॉक है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्कीम, जैसे हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम है, TPDS हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, राशन शॉप हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, MSP बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिड डे मील हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ इम्पॉर्टेंट है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सब हमारी महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और इन सभी में बफर स्टॉक का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम बफर स्टॉक के जो रोल है उसको कम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि हाँ वो बहुत उपयोगी है, बस उसको और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किए जाने की, उसमें सिस्टम्स में ऑप्टिमाइजेशन किए जाने की आवश्यकता है। ये हमारे फूड रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं
जो हमारी फूड रिलेटेड चिंताएं हैं वो क्या क्या है? यूएन का कहना है, यूएन इंडिया का कहना है, यूनाइटेड नेशन का ऐसा अंदाजा है कि करीब भारत में 20 करोड़ लोग मेल नरिश्ड हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं भारत के अंदर। भारत फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 113 देशों में से 74वें नंबर पर आता है, बहुत नीचे है, 74वें नंबर पर है, इसको ऊपर आना चाहिए। जो हमारा प्रोटीन इनटेक है भारत में वो केवल 50% है ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन नरिशमेंट, यानी कि जितना प्रोटीन हमें खाना चाहिए उसका केवल हम 20% प्रोटीन ही खा रहे हैं, तो ये भी एक चिंता की वजह है। हमारे देश में लगभग 46 मिलियन टन, जैसे मैं आपको 50 मिलियन टन का बोल रहा था, 46 मिलियन टन बफर स्टॉक मौजूद है, जो कि हमारे नॉर्म से 53% ज्यादा है। हमारे जो फूड सिक्योरिटी है उसके तीन पक्ष हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो हम अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें, हम यहाँ पर फूड सिक्योरिटी पर भी 2 सेकंड बात कर सकते हैं कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा, इसका क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमारे को फूड सिक्योरिटी समझना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। हमारे लिए जैसे बाकी सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी है, पुलिस सिक्योरिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी है, ऐसे ही फूड की सिक्योरिटी की आवश्यकता है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि फूड अगर एक राइट है ना, एक नेचुरल राइट है, किसी भी इंसान को भोजन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है या नहीं है? यस सर, यस सर है। ठीक है, बेशक ये किसी किताब में ना भी लिखा हो, तभी हम इसे हमारे संविधान में लिखा हो ना लिखा हो, फिर भी हम इस बात को समझ अप्रिशिएट करेंगे भाई, सबको खाना बराबर मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है, आदमी कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, किसी पे ज्यादा साधन हो सकते हैं, किसी पे कम साधन हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर कोई इतना गरीब ना हो कि उसे खाने को भी ना मिले। या खाली गरीबी ही कारण नहीं है फूड सिक्योरिटी का, फूड सिक्योरिटी का गरीबी के अलावा कोई कारण हो सकता है? सर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो एक, वो कि आपके पास पैसा नहीं है, वो तो वही चीज होनी चाहिए, पर इसके अलावा सोशल इशू हो सकता है क्या? सोशल कैसे? आपने मुझे जवाब दे दिया है, अगर आप यहीं पर देखेंगे। सर बहुत कोई वहां तक पहुंचने नहीं देता है रिसोर्स को जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। बहुत बार एक्सेस ही ऐसा ना हो होता फूड तक। है, जैसे जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में पैसा हो तो खाना आपको मिल ही जाए, पैसा होते हुए भी आपके पास हो सकता है खाना ना मिले। तो कभी कभी एक्सेसिबिलिटी, फूड सिक्योरिटी में ये सारे एंगल हैं कि हमारे पास नंबर एक फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, कि हमें उस तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, हम अगर भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपलब्ध एक्सेसिबल होना चाहिए, पहुंच के भीतर होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए कि इतना महंगा ना हो कि हम उसके लिए पैसा ना दे सकें। तो हमारी जैसे TPDS स्कीम है या फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें क्या प्रावधान है? सर NFSA टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें टारगेटेड फैमिलीज को दिया जाता है अफोर्डेबल कितना दिया जाता है, प्राइस पे, कितने प्राइस पे? वेरी 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो अनाज दिया जाता गुड, 2-3-1। है। हाँ सर, 2 रुपये गेहूं, 3 रुपये चावल और 1 रुपया मोटा अनाज। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो 3-2-1 का फॉर्मूला याद रखना। इसमें
फूड सिक्योरिटी एक्ट में या टीपीडीएस में भी वही चीज है। तो इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये क्या प्रावधान किया गया कि भाई हमें कुछ ऐसे परिवार हैं या टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि ऐसे परिवार हैं जिनके पास आमदनी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शायद डेली की इनकम 50 रुपये होगी, उससे भी कम हो सकती है। ऐसे लोग हो सकते हैं क्या जिनकी 50 रुपये भी इनकम ना हो डेली की? Yes, sir. उदाहरण जो डेली सॉरी रिक्शे वाले होते हैं, कभी कमाई होता है कभी नहीं होता है। हाँ मतलब भारत गरीबी की इंतहा है ना, लोग जो है कूड़ा कूड़ा इकट्ठा करके, अब जो बहुत सारे लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं, अब रैग पिकिंग में जो आपका फेंका हुआ कूड़ा है उसमें क्या आमदनी होती होगी किसी को? तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ले लेती है वो बहुत कम दाम पे। पर किस दाम में लेती होगी? जो बेचारे वो बच्चे जो होते हैं जहाँ जहाँ कूड़ा घर टाइप के, 20-30 रुपए में पूरा जो है कई किलो जो है 10-20-50 रुपया उनको मिलता है पूरा दिन में, पूरा दिन वो घूम घूम के ये सब इकट्ठा करते हैं तो उसका 10-20-50 रुपया उनको मिल जाता है। अब जिसको 50 रुपया उसकी रोज की इनकम है और गेहूं का दाम क्या, आटे का दाम क्या चल रहा है इस समय पर? 20-25 रुपए के जी किलो तो होगा, 30 रुपए किलो, 25 रुपया, 30 रुपया, उसके अलावा और कुछ चीजें लेनी है तो 50 रुपए में तो वो खा ही नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई काम करने वाला नहीं है, पिता थे उसकी मृत्यु हो गई, बहुत तो मैं कुछ को तो मैं खुद पर्सनली तक जानता हूँ, उनका आमदनी का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? उनके पास तो खाना नहीं रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमने ये कहा कि भाई कुछ परिवारों को, जैसे टारगेटेड परिवार है, सबके लिए नहीं है ये, कुछ जो टारगेटेड परिवार है उनको हम जैसा जो अनाज खाया जाता है, जैसे साउथ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में लोग शायद चावल खाना पसंद करेंगे, तो उनको अनाज ये चावल जो बाजार में 30-40-50 रुपए किलो 40 रुपए किलो तक बिकता है वो 3 रुपए किलो में दिया जाएगा। गेहूं जो 25 रुपए किलो बिकता है वो 2 रुपए किलो दिया जाएगा, और जो मोटा अनाज है वो उनको 1 रुपया किलो में दिया जाएगा। 35 किलो अनाज इसके अंदर प्रति परिवार, नहीं वो उसमें था अन्नदाता में, फूड सिक्योरिटी में है 5 kg पर पर्सन पर मंथ, 5 किलो प्रति माह पर प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो 25 किलो मिलेगा, 7 सदस्य हैं 35 किलो, जितने सदस्य होंगे उतने किलो अनाज इस दाम पर उनको दे दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी खाने की बनी रहेगी, एक्सेसिबिलिटी कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन टीपीडीएस इन राशन की दुकानों के नेटवर्क को बढ़ाना है। हो सकता है हम दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में इनकी दुकानें खोल लें बहुत सारी, वो ठीक है, पर हमें खाली दिल्ली और यहीं तक नहीं देखना चाहिए, भारत के अंदर में अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं पहुंचती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के कालाहांडी जो जगह है वो आपने सुना होगा, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर अभी भी हम लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी अनाज उपलब्ध यानी कि एक्सेसिबल रहना चाहिए, उनकी पहुंच के भीतर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अनाज की जो दुकान है, जैसे जो ट्राइबल एरिया है वहां से 20 किलोमीटर दूर है, राशन की दुकान है तो सही पर वो 20 किलोमीटर दूर है। अब क्या कोई ऐसा रैग पिकर है व्यक्ति जिस तरीके से सरवाइव करता है वो 20 किलोमीटर दूर दुकान से जाके शहर में जाकर अनाज ले पाएगा एक ट्राइबल व्यक्ति? बहुत मुश्किल लेगा। नो सर, बहुत मुश्किल है। पहुंच के अंदर होना जरूरी है, तो अफोर्डेबल करना है, अवेलेबल कराना है, ऐसा नहीं कि दुकान बना दी तो भूल गए आप, आपको वहां पर फिर अनाज को अवेलेबल कराना होगा कि जो भी फूड है वो उन तक उपलब्ध रहे। तो ये तीनों चीजें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे फूड सिक्योरिटी के, और फूड सिक्योरिटी एक्ट ये इसी को लागू करता है कि किस तरीके फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी मिशन अलग है और फूड सिक्योरिटी एक्ट अलग है। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के दो हिस्से हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है।
एक है एनएफएसए फूड सिक्योरिटी एक्ट और एक है एनएफएसएम फूड सिक्योरिटी मिशन, ये दोनों एक है, ठीक है, ये दोनों एक है, दोनों अलग है या एक है? अलग है, पूछ रहा हूं मैं आपसे, अलग है, अलग है सर, कितने अलग है सर? वो एक्ट है और वो मिशन है, वो तो ठीक है, वो तो मैंने खुद ही लिखा, कितने कानून है, कानून बनाया गया कि ये इसके लोग हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए, ये एक्ट कहता है, और सर मिशन कहता है कि सबको अफोर्डेबल करना चाहिए, मतलब करवाना चाहिए, वो अप्लाई करने में हेल्प करता है शायद, मिशन में ये होना चाहिए कि लोगों तक ये इसी मूल्य पे जो एक्ट कह रहा है उस मूल्य पे लोगों को मिल रहा है या नहीं, मतलब मिला पीडीएस के लिए ये काम करता है सर, लोगों को दिलाने के लिए है, जैसे आई थिंक का मिशन है, मिशन और ये एक्ट दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ध्यान रखिएगा, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दोनों अलग अलग चीज हैं। एक्ट हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो अनाज के उपभोक्ता हैं, फूड के उपभोक्ता हैं, और फूड सिक्योरिटी मिशन हमारे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। कंज्यूमर वाले तो मैंने आपको बता दिया 3-2-1 कि हमें फूड सबको मुहैया उपलब्ध कराना है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना बचे। प्रोड्यूसर में क्या होगा, प्रोड्यूसर के लिए क्या कि हमें अपने देश के अंदर जो खाद्यान्न है, जो अनाज है, या ऑयल सीड भी अब इसमें इंक्लूड किया गया है, कि उसका उत्पादन सही मात्रा में होते रहना चाहिए। अगर उसका उत्पादन नहीं होगा तो भी फूड क्राइसिस की सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पर 3-2-1 है, वहां पर है 10-8-3, कोई से वेरीफाई करते हैं। ये बेसिकली टारगेट था 10-8-3, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि हमें कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अभी हमने क्या बात करी थी, हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है साल का, 46% लगभग इतना हमारा 2020 में उत्पादन रहा खाद्यान्न का, ठीक है, 280 मिलियन टन उत्पादन हमारे देश के अंदर में खाद्यान्न का हुआ, 28 करोड़ टन, अगर करोड़ में देखना चाहते हैं तो 28 करोड़ टन हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादित किया गया। अब अगर मान लीजिए हम अभी 2020 में हैं, 2030 में हमारा उत्पादन 280 मिलियन टन ही रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत? यस सर, दिक्कत है, यस सर, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, जिसकी बढ़ी हुई आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, या दो कारण है, एक तो आबादी बढ़ेगी और एक खाने का फूड का जो पैटर्न है वो भी बदलेगा। अगर जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, लोग पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ता है, पर पर्सन जो कंजम्पशन है फूड का, अगर हम अपने को और अमेरिकन या यूरोपीय लोगों के कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि वो हमसे कहीं ज़्यादा खाना खाते हैं, जो उनका कंजम्पशन है वो कहीं ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन की पर कैपिटा जो फूड है उनके यहाँ वो हमसे ज़्यादा होगा। ऐसे कैसे होता है जब हमसे ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं ना, कई तरह के फूड को एक साथ कई सारे में, फिर जैसे जैसे थोड़ी सोसाइटी डेवलप होती है, वेस्टेज भी थोड़ी बढ़ती है, ठीक है, जब थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा
अनाज होता है तो उन सोसाइटीज में वेस्टेज बढ़ती है, प्रोसेसिंग बढ़ती है, उसमें भी वेस्टेज बढ़ती है, तो जो फूड ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी चेंज होती हैं। तो इन दोनों कारणों से हमें अपने जो उत्पादन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जो फूड सिक्योरिटी मिशन था उसके अंदर ये रखा गया था कि हमें 10 मिलियन टन अपना चावल या गेहूं, 8 मिलियन टन चावल और 3 मिलियन टन मोटा अनाज, जो फूड सिक्योरिटी। फिर इसके बाद ये फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर ऑयल सीड अलग आया था, फिर कुछ और चीज़ों के लिए भी आया, इसको और विस्तारित किया गया। तो फूड सिक्योरिटी मिशन का काम है कि हम अपने देश में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाएं। फूड सिक्योरिटी एक्ट का काम है कि हम अपने खाद्यान्न को अपने कंज्यूमर उपभोक्ता तक पहुँचाएं। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। अगला विषय जिस पर हम बात कर सकते हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही जनरल सी तरीके से बात कर लेते हैं, तो बहुत कुछ चर्चा का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक प्रकार की फार्मिंग हो रही है कि हमारे किसान के लिए एक चैलेंज है, वो कोई भी चीज उगाता है। तो हमने कहा कि हमारे किसान के पास सबसे पहला पैसा नहीं है निवेश करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। वो अब अच्छा बीज लेना चाहे तो बीज लेने के लिए पैसा नहीं है, फर्टिलाइजर्स लेना चाहे, पेस्टिसाइड लेना चाहे, निवेश करने के लिए पैसा नहीं, एक्सपर्ट की राय लेना चाहे, पैसा नहीं है। तो निवेश करने के लिए पैसा नहीं, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमारे किसान की है कि मान लीजिए अगर निवेश कर भी लेता है तो उसके पास जो फिर मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, फिर स्टेबल मार्केट नहीं है। हमारे किसान ने मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट कर भी दिया, बढ़िया बीज ले आया, फर्टिलाइजर में भी पैसा लगा दिया, मशीन भी ट्रैक्टर भी खरीद लिया, कुछ काटने वाला बढ़िया बढ़िया मशीन ले आया, अब भी क्या हो सकता, उत्पादन भी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, निवेश किया, उत्पादन बढ़ गया, अब भी बेचारे किसान को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सर एक तरीका से नहीं करना पड़ेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नहीं जा रहा हूँ अभी, तो मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल किसान है, पहली समस्या तो हमने बात की उसके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, उसने मान लीजिए कहीं से निवेश कर भी दिया, उसने पैसा लगा दिया इधर उधर से लेकर अपने कुछ भी रिसोर्स से, और उसने उत्पादन भी बढ़ा दिया, तो उसका काम पूरा हो गया, अब उसको अच्छा पैसा मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा उसको पैसा? टमाटर उगा दिया और बाद में 5 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है, ये सड़क पर फेंकना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे अल्टीमेटली जब तक वो मार्केट पे जाके उसकी कीमत ना वसूल लाए, मान लीजिए उसने एक्सपेक्टेशन रखा, एक आपका जैसा नवयुवक है, बढ़िया इंटेलिजेंट इंसान, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उसने सोचा कि नहीं नहीं मेरे पिताजी को बहुत अच्छी खेती नहीं आती, मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है, मैं अपनी प्रोडक्शन को डबल कर दूंगा, दुगनी कर दूंगा, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा पर आमदनी हमारी उसी खेत से दुगनी हो जाएगी, बढ़िया मतलब उत्पादन दुगना हो जाएगा, यहाँ तक उसने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, पैसे का जुगाड़ करके लगा भी दिया, उत्पादन भी दुगना हो गया, उसने बढ़िया क्वालिटी का टमाटर खरीदा, बढ़िया बीज लिया, थोड़ी सी कीमत कॉस्ट लगी पर उत्पादन उसका दुगना हो गया। परंतु हो सकता है सारा दिमाग लगाने के बावजूद मार्केट उसको फेल कर दे, मार्केट में उस वर्ष उस समय जो कीमत निकल के आ रही थी वो बहुत ही ऐसी आ रही थी बेहुदा, जिससे उसकी कीमत, उसकी जो कॉस्ट है, जैसी उसने प्लानिंग की थी कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया है, मेरा उत्पादन इतना बढ़ जाएगा, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, वो सारे उसने फेल कर दिए। उसने लगाया था कि 20 रुपए किलो टमाटर बिकेगा, टमाटर बिका 5 रुपए किलो, इतने में तो उसका ट्रक का भाड़ा नहीं निकल रहा, तब वो परेशान है। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो हमारी सहायता कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कौन लोग हैं? तो एक किसान है हमारा, सीधा साधा था, और दूसरा एक हमारा कोई मैन्युफैक्चरर है। मान लीजिए हम में से ही कोई एक और समझदार बच्चा है, ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ये मैन्युफैक्चरर हमारा बच्चा है, वो कहता है कि यार मैं टमाटर की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, टमाटर से प्यूरी बनाऊंगा, उससे बढ़िया दाम मुझे मिल जाएगा। तो उसने टमाटर का जो जो भी बनता है कैचअप प्यूरी, वो बनाने का प्लांट लगाने का सोचा। अब इसको भी बेचारे को चिंता है। अब मान लो आप टमाटर का कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, आपके लिए क्या चैलेंज है? आपके लिए भी वही चैलेंज जो किसान के लिए है। एक तो आपको लैंड नहीं है, दूसरा जो आपका रॉ मटेरियल है इसकी कीमत का आपको कोई अंदाजा नहीं है। आप कितनी इसकी कीमत रखो अपने प्यूरी की, अपने कैचअप की, आपको कैसे पता चलेगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? बैकवर्ड कैलकुलेट करोगे? एक बोतल, एक लीटर कैचअप बनाने में मुझे 2 किलो टमाटर लगता है, 2 किलो टमाटर की कीमत 20 रुपए किलो है, तो 40 रुपया मेरे को टमाटर चाहिए होगा, 10-20 रुपया और खर्चा करूंगा, मेरे को 100 रुपये में अपना 100 रुपये का बोतल एक भेज देना चाहिए कैचअप का। उसने 100 रुपये का लेबल चिपका दिया अपने कैचअप की बोतल पे। अब क्या हुआ, टाइम बदल गया, 20 रुपये किलो क्या उसे 100 रुपये किलो टमाटर नहीं मिल रहा है खरीदे हुए। 100 रुपये तो बेचारे की कीमत है। अब वो 100 रुपये किलो टमाटर खरीदेगा, 2 किलो टमाटर 200 रुपये का तो टमाटर ही हो गया, और उसने यहाँ पे अपना प्राइस रखा हुआ है 100 रुपये। अब रोज रोज तो अपना प्राइस चेंज कर नहीं पाएगा, तो बेचारा फंस गया है ना। तो यहाँ इसके लिए भी मुसीबत है। अब ये दोनों लोग इधर भी और इधर भी दोनों परेशान हैं। अगर ये दोनों लोग आपस में एक समझौता कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि साहब आप हमारा जो है टमाटर उगाओ, ए लड़का है जो टमाटर की फैक्ट्री लगाए हुए है, बी है जो किसान है, ए और बी ने आपस में बैठ के बात की कि भैया देख बाजार में जो भी दाम हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 5 रुपये किलो हो चाहे 100 रुपये किलो हो, ठीक है, मैं तुम्हें बीज का अनाज जो भी इनपुट है उसका पैसा देता हूँ, 1 लाख रुपया मैं देता हूँ, मुझे उसमें से आप मेरे को लेट से 1000 किलो जो है या 5000 किलो या 10000 किलो टमाटर आपको देना होगा जो भी उगेगा, और इस रेट पे देना होगा 20 रुपये किलो की कीमत पे। आप अपनी कैलकुलेशन अभी कर लो कि भाई 1 लाख रुपये है, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, 10 हजार किलो मेरा टमाटर उग जाएगा, मेरे को 20 रुपये किलो की कीमत से आप वो टमाटर बेच देंगे, उसकी जो लागत है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके बाद जो प्रॉफिट हो वो आपका। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। ये वाले आदमी को पक्का पता है कि मेरे को 20 रुपये किलो टमाटर मिलेगा, इस किसान को भी बताया कि भैया मेरा जो टमाटर है वो 20 रुपये किलो बिक जाएगा, मुझे 5 रुपये किलो में वहां पे कोड़ियों के दाम पे बेचना नहीं पड़ेगा, साथ में ये आदमी मेरे को पैसा भी दे रहा है। तो ये जो मॉडल है फार्मिंग का विदेशों में प्रचलित है, भारत में उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, परंतु कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो दोनों लोग, खरीददार और किसान, दोनों साल शुरू होने के पहले ही आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें जो कीमत होती है वो तय कर ली जाती है, सारी चीजों को अर्थमेटिकली कैलकुलेट करके तय कर लिया जाता है, जिससे बाद में किसी को भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सर, तो किसान को कंपनी पहले ही पैसा दे देती है क्या कॉन्ट्रैक्ट? कुछ पैसा दे देगी, हाँ, एडवांस देगी ना उसे। अच्छा भाई, वो किसान कहेगा कि जैसे इस केस में नहीं देती पर उस केस में दे देगी, कंपनी कहेगी कि ठीक है आपका और हमारे बीच में अनुबंध है, जैसे हमारा होता है ना किराया ले घर लेने जाना है, किराए पे घर लेना है, तो वो कहेगा कि ठीक है मैं क्यों दूं आपको घर, मुझे क्या पता आप कल भाग गए, तो कहता कि जी मेरे को एडवांस दो पहले तब दूंगा, तो आपसे वो एडवांस ले लेता है ना, ऐसे किसान भी ले लेगा कि मेरे को एडवांस दो, तो पूरी कीमत मत दो पर कुछ हिस्सा दे दो, जिससे कि मुझे पता रहेगा कि भाई ठीक है मेरा अनाज बिक जाएगा। अगर मान लो वो बाद में फिर गया तो क्या करेगा, तो उसके बाद उसका पैसा है वो रख लेगा उस पैसे को, कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच किया तो वो नुकसान में रहेगा।
तो दोनों लोग इस प्रकार का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, उस पर खेती करते हैं, तो इससे दोनों को फायदा हो जाता है। और दूसरा इसमें जो और लाभ है, तो एक तो ये कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो गई, इसमें और भी कुछ कुछ फायदे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन है, हायर क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन और हायर क्वालिटी कैसे मिलेगी, किसान अगर अपने से उगाता तो वो सस्ता टमाटर का बीज या सुविधा, जो इरिगेशन की सुविधा है, फर्टिलाइजर है, वो सब उस तरीके का नहीं ले सकता था। परंतु क्योंकि अब वो एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, कंपनी हो सकता है उसको कहेगी कि नहीं आप यही वाला बीज बोओगे, मेरे को इस, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे टमाटर की प्यूरी में, टमाटर कई कई तरीके का होता है, आपने अगर क्वालिटी को ध्यान से देखा होगा तो अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो जो प्यूरी वाला आदमी है, जो टमाटर का केचप बनाता है, उसने अपना तय कर रखा है कि मैं केवल ये क्वालिटी का फला बम्बई या आम या टमाटर या जो कुछ भी मुझे यूज करना है, मैंने वो बढ़िया क्वालिटी का टमाटर पहले तय किया हुआ है, जिससे कि मेरी केचप का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता हो। मैं कहूंगा कि आप मेरा यही वाला बीज लो, आप मेरे को यही उगा के दो, तो इससे क्या है उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन भी बेटर हो जाएगा। कॉर्पोरेट का गाइडेंस, कॉर्पोरेट जो होता है, जो बड़ी कंपनी है, उसके पास पैसा है, एक छोटे किसान के पास इतना वो नहीं होगा। हो सकता है वो एक साइंटिस्ट लगा दे, उसको वो ऐसे 50 किसानों से कंपनी ने एग्रीमेंट किया हुआ है, 100 किसानों से एग्रीमेंट कर लिया, एक बड़ी कंपनी है केचप वगैरह बनाने वाली, उसने ये ऑलरेडी एक्चुअली में होता है, ऐसा नहीं, अंकल चिप्स जो कंपनी है उसने ऑलरेडी हिमाचल में कई जगहों पर आलू के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, तो उसको आज एडिटोरियल न्यूज़ है, आज एडिटोरियल का ये न्यूज़ है। अच्छा, आलू चिप्स पेप्सिको कंपनी का। हाँ, तो इनके अपने एग्रीमेंट होते हैं, ये पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हमें इतना अनाज चाहिए। अब इसमें क्या होगा, कंपनी या पेप्सी कंपनी मान लीजिए आलू उगवाएगी, तो वो आलू बेस्ट क्वालिटी का आलू देखेगी, ठीक है, ये रिसर्च करेगी कि सॉइल कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, ये भी बताएगी कि फर्टिलाइजर कौन सा इस्तेमाल करो। उसके पास तो स्पेशल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो केवल यही काम करेंगे कि हमें ये वाली क्वालिटी का आलू चाहिए, उसमें यही चीज चाहिए, उसमें ये वाला सॉइल लगेगा, उसमें ये फर्टिलाइजर लगेगा, उसमें तब पानी देना है, तब पानी नहीं देना है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज का ध्यान वो रख सकती है, जो कि एक छोटा किसान अलग इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। तो ये सब कई सारे जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे हैं। और कितना लैंड में लगाना ये डिसाइड कंपनी। हाँ जी, कितना लैंड इसमें लैंड की कितना रिक्वायरमेंट है, कितने लैंड में उगानी है, ये तो डिसाइड कौन करेगा, फार्मर या कंपनी से? नहीं, कंपनी तय करेगी ये सारी चीजें, कंपनी तय कर देगी। अब वो ये भी बताएगी कि हमें ये वाली कंपनी इस एरिया में ये चाहिए, इतना ये चाहिए, क्योंकि कंपनी इसमें दोनों का फायदा है। इसमें हमारे को समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी अपने साइंटिस्ट लगा सकती है इस काम पर रिसर्च करने के लिए, वो बेस्ट मैन पावर हायर कर सकती है जो ये बता सके कि भाई हमारी ये फसल सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या क्या चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, जो कि एक आम छोटे किसान के लिए शायद संभव ना हो पाए। तो ये इसका एडवांटेज है और ऑलरेडी ये सक्सेसफुल है। पेप्सिको कंपनी ने इसके लिए काम किया है, टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इस तरीके के, केचप के प्लांट्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, आलू के चिप्स के लिए ये मॉडल ऑलरेडी यूज हो रहा है। पर ये ज़्यादातर हमारे जो पंजाब या जो वेल ऑफ एरियाज हैं वहाँ पर है, जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, वहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट अभी नहीं है। तो इस सबसे फायदा क्या होगा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। जो वैल्यू एडिशन है किसान के उसका खेत में, वो कहीं ज्यादा होगा, उसके पास एक रेगुलर और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब किसान को ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जब उगा रही है, मान लो
किसी कारण से वो पड़ गई, बारिश हो गई या कुछ और खराब हो गई फसल, तो ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी? कंपनी की रहेगी। उस एग्रीमेंट में इसका भी प्रावधान रखा जाएगा कि ये फसल इंश्योर्ड है और अगर फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर हमारे किसानों को हम इस और कॉरपोरेट को इस प्रोसेस से जोड़ सकें। इससे क्या होगा, हमारे किसानों का स्किल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि अच्छा ये टमाटर ऐसे भी उगाया जा सकता है, ये भी बीज लगता है, अच्छा इसमें ये करने से ये फायदा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें किसान को सीखने को मिलेंगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होगा। अभी किसान क्या है, केवल वो अपना गेहूं उगाया या जो स्टैंडर्ड 2-3 फसलें हैं उन्हीं तक रहता है, परंतु जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो लोग अपनी पसंद की फसल उगवाएंगे कि भाई आप मुझे ये वाली फसल उगा के दो, मुझे ब्रोकोली उगा के दो, मुझे गोभी नहीं चाहिए, मैं ब्रोकोली जो है 200 रुपए किलो में बेचूं। तो इससे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो रहा है। जो कीमतों का रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाता है। अगर कीमतें ऊपर नीचे होती हैं उससे हमारे किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए नए तरीके का मार्केट पैदा हो जाएगा, इजी क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि हमारा पेप्सी कंपनी के साथ एक समझौता है और हम पेप्सी कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके लिए आलू उगाते हैं, हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें लोन दे देगा या नहीं दे देगा? ना खुशी से देगा लोन, अगर अच्छा काम करते हो चलो भाई ठीक है, यानी कि आपको पैसे मिल जाएंगे। हमें लोन किस आदमी को मिलता है, जिसकी इनकम बैंक को पता है कि स्टडी इनकम है उसके पास। अब सरकारी नौकरी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर है, तो उसको दे दो लोन, ठीक है जो है इसको, ये सरकार का वो है, इसको मिल जाएगा। प्राइवेट में चले जाएंगे तो थोड़ा चिक चिक करेंगे, अगर बिल्कुल बिजनेस वाली इनकम है तो कहेंगे भाई पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बिजनेस चला नहीं चला, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो जो क्रेडिटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बाजार में उसकी। जो हमारा खरीददार है उसके लिए लाभदायक है, उसको रॉ मटेरियल सही दाम पर मिलता रहेगा, वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की एक गुडविल क्रिएट कर सकता है। अब जैसे हम अंकल चिप्स का, जब भी चिप्स खाते हैं हमें हमेशा आलू का टेस्ट हमारा साल भर एक जैसा नहीं रहता है। कभी आपने ध्यान दिया हो, आलू का जो टेस्ट होता है वो बदलता रहता है समय समय के हिसाब से। सर्दियों में आलू का टेस्ट अलग होता है, फिर जब कोल्ड स्टोरेज का समय होगा तो अलग आएगा, जैसी क्वालिटी है वैसा आलू का टेस्ट है। परंतु अंकल चिप्स के आलू का टेस्ट आपको स्टैंडर्ड एक जैसा ही साल भर जब भी आप खाओगे वो एक जैसा ही मिलेगा। तो ऐसे कुछ सारे फायदे भी हैं। अब इसके क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं कि हमारे पास लीगल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करने का कोई माध्यम नहीं है। इससे क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है, ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। कॉन्ट्रैक्ट कानून जो होता है वो हमारे देश में ठीक से लागू नहीं हो पाता, हमने पहले भी शायद चर्चा की थी। तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ लागू नहीं होने से, और इससे कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट, सर वो कंपनी वाला पैसा ही नहीं देगा एग्रीमेंट करने के बाद जब फसल खराब हो जाएगी। यहाँ ये है, अब पेप्सी कंपनी तो चलो बड़ी कंपनी है, हमारी कोई छोटी मोटी कंपनी है, उसने कोई समझौता करा कि ठीक है, अब वो किसी भी कारण से उसके मन में बदमाशी आ गई, वो कुछ भी कारण हुआ, तो बाद में वो कंपनी धोखा दे जाए, अब ऐसे में किसान को क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में, कोर्ट में उसे जाना होगा। और कोर्ट कौन सा लगेगा इसमें, जो थोड़ी बहुत न्याय व्यवस्था से परिचित हूँ, ऐसा केस मान लीजिए वो आपके पैसे नहीं दे, सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट में उसको फैसला कब मिलेगा, 10-15 सालों लगेगा, जल्दी पता नहीं सर, एवरेज जो उनका 25-30 साल उनका टाइम है सिविल कोर्ट में फैसला देने का। तो आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हम दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया,
30 साल लगेंगे उसको सिविल कोर्ट में सुनवाई करते करते, लागू कब होगा पता नहीं, 30 साल बाद तो जो दोनों पक्ष हैं कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों मर जाएंगे खत्म। तो भारत में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ये ऐसे में जो पक्ष भारी पक्ष होता है वही हावी हो जाता है। और इस केस में क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारी पक्ष बनेंगी, किसान हमारा परेशान। हेलो सर। हाँ जी बोलो। चलो सर, फार्मिंग पे सर किसान जो बिल आया था सर, उसमें भी तो इन्वॉल्व था दाई सर। जो फॉर्म लॉज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी सर, सर हाँ सर फॉर्म लॉज में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी सर, हाँ तो उसमें भी ये पक्ष था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो इसका क्रिटिसिज्म है वो यही है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उसका यही होगा कि हमारे देश में, जैसे अगर मैं आप लोगों को, आप लोग परिचित होंगे, हम लोग, मैं इस उदाहरण को कई बार देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण घटना है पर हमारे देश में दिखाई नहीं देती है। हमारे दिल्ली NCR में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 5-7 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आपके हमारे जैसे लोग हैं, जिन्होंने यहाँ बिल्डर्स के साथ, जो बिल्डिंग कंपनीज होती हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने उनको कहा कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आपको 3 साल बाद यहाँ पर मकान, बढ़िया फ्लैट बना के देंगे, इस जगह पर आप खड़े हो, बढ़िया सा नक्शा दिखाया। अभी वो बिल्डर सारे के सारे, उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, आप सब जानते होंगे, जो पैसा लेकर भाग गए सुपर टेक और ये सब। अब वो जो लोग हैं, जो ये 5 से 10 लाख लोगों के बीच लोग हैं, ये अब परेशान हैं, और इन्होंने हर एक के पास 50-50 लाख रुपए का कर्ज है, इनकी जेब से इतना पैसा चला गया और इनको बदले में कुछ भी नहीं मिला है, जिस आकांक्षा के साथ कि हमें घर मिलेगा वो मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कानून है ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो है उसके ऐड करते थे, अब वो सब भाग गए, इनको फ्री फ्री फ्लैट मिल गए, अब ये तो अपना एडवर्टाइजिंग करके चले गए। अभी लोग जो है, ये लोग रेगुलरली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नोएडा में बहुत लोग, हम लोग परेशान हैं, कोई उसका एंड नहीं है। तो ये भी एक सिचुएशन है कि भारत में लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक किसान के साथ करके धोखा करके वो भाग जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, रो चीख के धरना प्रदर्शन करके घर बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसको बढ़ी हुई कीमत नहीं मिलेंगी। अच्छा, तीसरा कि जो ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कैश क्रॉप्स होती हैं। व्हाट इज अ कैश क्रॉप? व्हाट इज अ कैश क्रॉप? जैसे सर कपास हो गई, गन्ना हो गया सर, ये जूट होगी सर, ये कैश क्रॉप है, जिन सर कैश मिलता हो सर। और जैसे आप गेहूं, क्या गेहूं से कैश नहीं मिलता सर? मेनली ये तो सर खाने के लिए होती है वो सर, उनका फूड क्रॉप होता है सर बीज। ठीक है, तो आपने ठीक ही इसको समझा दिया। देखो, फसलों को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं, क्रॉप जो होती हैं हमारी, फसल होती हैं, उनको दो हम खेती किसान करता क्यों है, तो खेती करने का उसका मूल उद्देश्य दो है। मेन पहला उद्देश्य तो हमेशा शुरू से फूड ही रहा, ठीक है, हमारा काम क्या है, हम क्यों खेती करते हैं, किसान क्यों उगाता है। पहले सब बेचने के लिए किसान खेती नहीं करता था, किसान अपने लिए भाई अनाज उगा के मेरा घर चलता रहे इसलिए खेती करता था, तो फूड क्रॉप्स हैं। धीरे धीरे नई नई तरीके का एग्रीकल्चर भी शुरू होने लगा, जिसमें फसलों को फूड के लिए, उसकी कोई फूड की आवश्यकता वो नहीं है, परंतु बाजार में कीमत है। जैसे कपास, उदाहरण इन्होंने दिया, कपास हो गया, टी है, कॉफी है, ये सब क्या है, अब कोई इतनी चाहे तो प्रॉफिट जनरेटिंग क्रॉप है ना ये सब। प्रॉफिट तो हमें इससे भी हो सकता है, खाली ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिफरेंट, प्रॉफिट तो वीट के क्रॉप से भी होगा ना, कैश तो वीट के से डायरेक्टली, कैश से मत वो करो, रिलेट करो। बेसिकली जो हमारा कंजम्पशन है, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कंजम्पशन बेस्ड हैं, जिनको हम कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एक्स्ट्रा उग गया हमने बेच दिया वो एक अलग चीज है,
परंतु जिन क्रॉप्स को मूलतः भारत के अंदर में आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उगाया जाता है, और कुछ ऐसी क्रॉप्स जैसे चाय कॉफी, ऑब्वियसली इतनी कोई टी प्लांटेशन है तो इतना टी थोड़े ना वो पी जाएगा, कितनी चाय पिएगा, या कपास इतना तो कंज्यूम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत ही बहुत मामूली सा कर सकता, जबकि फूड क्रॉप का एक बड़ा हिस्सा वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता। तो इस तरीके का ये डिफ्रेंशिएशन है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कैश क्रॉप्स का उत्पादन ज्यादा है, मतलब उस पर ज्यादा जोर होगा, क्योंकि कंपनियां ऑब्वियसली ऐसी फसल उगाना चाहेंगी जिससे कैश, मतलब जो कैश क्रॉप्स हों। अब इससे क्या होगा, हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स जो हैं वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जो फूड क्रॉप्स हमारी होती हैं वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर फूड क्रॉप्स नेग्लेक्ट होंगी और कैश क्रॉप ज्यादा हो जाएंगी तो? सर हमारे बफर स्टॉक पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फूड क्रॉप एसेंशियल क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप ऐसा नहीं है, इनको इनमें फायदा नुकसान की बात नहीं है, इनमें ज्यादा आवश्यकता है कि हमारे को एक निश्चित मात्रा में, हमें 280 मिलियन टन उगाना है तो इतना तो चाहिए ही चाहिए ना, इससे थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही हमारा जो रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए लोगों ने उगाना कुछ और चालू कर दिया और ये 200 मिलियन टन हो जाएगा, तो हमें या तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो देश में फूड क्राइसिस शुरू होने लग जाएगा। तो ग्रेजुअली ऐसा हो सकता है। फिर कुछ ऐसी क्रॉप्स भी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किए जाने की इसमें बात है। अच्छा, इसमें मार्केट फेलियर का रिस्क है। मान लीजिए पेप्सी कंपनी ने उगाया और पेप्सी कंपनी किसी कारण से डूब गई। अब पेप्सी को डूबेगी तो डूबेगी, साथ में हमारे बेचारे हजारों की संख्या में किसान भी डूब जाएंगे, ये इसका एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसमें किसानों के ऊपर इनडेट बढ़ सकता है, ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट मेरी समझ से, जैसा मेरी अपनी राय, अगर मेरा व्यक्तिगत मत कोई पूछे, तो यदि हमारे पास स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर्स हों तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, प्रोवाइडेड वी शुड हैव अ वेरी 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 गुड, अगर हम वो सिविल कोर्ट में उस तरह से लोगों को फंसाने वाले हैं तो देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल बी 100% अ डिजास्टर। पर अगर हमारे पास एक ऐसा सीमलेस मैकेनिज्म है कि एक कंपनी का ऑलरेडी पैसा वहां पर जमा है, अगर वो नहीं देती है तो तुरंत अगले 15 दिन में उसको वो उसका पैसा मिल जाएगा और उसको पेनल्टी लग जाएगी ह्यूज। तो ऐसे में, जैसा विदेशों में है, विदेशों में जो सारे काम क्यों सफल हो जाते हैं, वहाँ की मार्केट इकोनॉमी इसीलिए सफल हो जाती है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आप अगर किसी पर दावा कर देंगे, आपने सुना होगा ना, दावा कर दिया और दावा सू कर देना बहुत आम बात है। सू करना मतलब क्या होता है, कोई केस कर देना। सू कर देने का मतलब आपने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया, तो उसके लिए वो आपको सू कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। और दावा क्या करेंगे, मान लीजिए एक किसान को आपको 1,00,000 रुपया देना था, वो आप पर 10 करोड़ का दावा कर देगा, और इस बात की भी संभावना है कि 1 महीने बाद आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर भी कर दे कि ठीक है 10 करोड़ का दावा सही है, इसे 10 करोड़ देना चाहिए। तो जहां उसे 1,00,000 रुपया देना था उसको 10 करोड़ देना पड़ेगा। तो ये जैसे हेल्थ सिस्टम में वहां पर ऐसे दावे बहुत होते रहते हैं, ये डॉक्टर लोग हैं कुछ किया गलत कर दिया, तो वो दावा हो सकता है। कंपनीज पर बहुत दावा होता रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियों पर इस तरीके का ऑर्डर पास हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा गूगल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर हो गया है, फेसबुक पे, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी इन पर होते रहते हैं और उनको फिर उनको कंप्लाई करना होता है। तो वहाँ ये बहुत भारी चैलेंज है जो भारत में नहीं है। भारत में हमें पता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी, कोई भी आदमी आपका वो ना माने तो आपके पास कोई बहुत कुछ है नहीं लागू करने के लिए।
ठीक है, तो ये एक बेसिक समस्या है। भारत में कुछ क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पेप्सिको कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए से अच्छा काम किया है, अमूल ने और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारत को इसके लिए जो करना होगा, जो बाद में अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि हमें अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको रिवाइज करना होगा, और साथ के साथ हमें ऐसे कोर्ट्स बनाने होंगे जो 15 दिन के अंदर फैसला दे सकें। अगर हम ये स्पीड नहीं बदलेंगे, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, कानून ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ा है, कानून में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि कोर्ट उसे 15 दिन में सॉर्ट ना कर दे। आज आपने दावा किया, 15 दिन में आपको फैसला मिल गया, अगर आपका दावा सही है तो उसको पेनलाइज कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हम लोग देश में बहुत अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। फिर एपीएमसी में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। ये जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट फार्मिंग एक्ट है जो अभी कुछ समय पहले आया था और बाद में रिपील कर दिया गया, तो ये उसकी चर्चा है कि किस किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट ला सकता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज को अभी हम ये इधर ही कर लेते हैं ख़त्म, और हम लोग फार्म सब्सिडीज एग्रीकल्चर का ये वाला जो पक्ष है वो कर लेंगे। इस समय ध्यान रखिएगा हम प्योर इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं, साथ में हम अपने जो स्कीम्स हैं वो बारी बारी से एक एक करके शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स और जो जनरल टॉपिक्स हैं उनका एक ओवरलैप आ जाता है इस जगह पर, जिस जगह पर अभी हम हैं, तो आप लोग ये ना घबराएं। सर स्कीम कब कराएंगे? सर पॉलिटी कब से शुरू होगा? एक एक करके खत्म करते हैं, एक ही सब्जेक्ट करा पाता हूं मैं तो। हेलो सर, कर लेंगे, घबराओ मत, सारे सब्जेक्ट कर लेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर, जैसे सर कोई कंपनी है सर, उसमें जैसे लेबर वगैरह कुछ होते हैं सर, जैसे मांग और वो क्या करते हैं उनका शोषण, मतलब शोषण करने लगती है, तो क्या उनके ऊपर कोई हमारे गवर्नमेंट मतलब कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकती जो हम मतलब लेबर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे कानून है यार हमारे देश में। देखो मैं फंडामेंटली एक ही चीज कहता हूँ, हमारे देश में हमें किसी कानून को लाने की जरूरत नहीं है, देश में बहुत सारे कानून है, उन कानूनों को लागू करने की जरूरत है। कानून लागू ऐसे होने लगे, 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर फैसले होने लगे। आज आपने शिकायत की, 15 दिन बाद आपके केस की सुनवाई हुई, 15 दिन में फैसला आ गया, बस इतना कर दीजिए आप हमारे देश में, हमारे देश का सारा सिस्टम सही हो जाएगा। दोनों पक्ष हो सकते हैं, हो सकता है उस फैक्ट्री मालिक की गलती हो सकता है उस मजदूर की गलती हो, उसको फैसला करने का हक केवल एक जज के पास है। अगर आप ये करेंगे कि उसको 25 साल तक लटका देंगे, तो वो मजदूर ना उसके पास इतना टाइम है ना पैसा है कि वो वहां जाए। आप 15 दिन में फैसला कर दीजिए, कोई आपके साथ बदमाशी नहीं करेगा, या तो आदमी करेगा नहीं, अगर हमारी न्याय व्यवस्था इस तरह से काम करने लगे कि खटाखट फैसले करे कि ठीक है भाई फैसला ही तो सुनाना, आपको ये जज करना है ये आदमी सही कह रहा है गलत कह रहा है, टेस्ट करो। जब दुनिया भर में 1 महीने में 2 महीने में फैसले हो सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकते? तो ये एक मूल परेशानी है, इस मूल परेशानी को अगर हम सुलझा दें किसी तरह से, ये आसान परेशानी नहीं है पर एक बहुत बड़ी परेशानी है, अगर हम इसे किसी तरह से सॉल्व कर दें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं एक ही झटके में खत्म हो सकती हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है सर, कहीं ना कहीं सर न्यायपालिका के ये फेलियर का रीजन तो नहीं है? वो कलेक्टिव फेलियर है, उसमें किसी अगली क्लास में कभी चर्चा करेंगे कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू सर, माय प्लेजर, थैंक यू सर, ओके गुड डे, थैंक यू।